आपका क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस द टू एंड्स ए एंड बी इन द सर्किट। तो देखो इसने क्या कैसा सर्किट दिया है कि ए एंड बी ये आपके दो एंड्स हैं, ठीक है, और बाकी आपके रेसिस्टेंस देखो कैसे कनेक्टेड है और सब इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स सब देखो 2 ओम्स 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 एंड 2 ओम्स, सब जगह आपका 2 ओम्स ही है। तो आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ए एंड बी में, आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस पूरे स्ट्रक्चर का क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम ये जो पॉइंट है जहां पर इसने कुछ नंबर नहीं दिया है तो देयर वी विल पुट सब पॉइंट, उसको एक नेम दे देंगे। तो सपोज हमने ये नेम दे दिया सी और ये नेम दे दिया डी, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, ए एंड सी के बीच में जो रेसिस्टेंस है वो कैसे हैं, देखो पैरेलल, पैरेलल रेसिस्टेंस है ना। तो पैरेलल रेसिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है रेसिस्टेंस निकालने का, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, दो रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू डालो, देखो आपका क्या आ रहा है, 1/R इज इक्वल टू 1/2 + 1/2, एलसीएम इज 2 ना, तो ये आपका हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 2 इज द एलसीएम, तो यहां पर हो गया 1 + 1, दैट मीन्स वो भी 2 हो गया है ना। तो दिस इज इक्वल टू वी कैन से 2/2, तो कट करेंगे यू विल गेट 1/1। तो आर आपका कितना आया, ये आपका सिर्फ आप निकाल रहे हो एसी के बीच में, एसी के बीच में, तो आपका रेजिस्टेंस यहां पर आ गया आपका 1 ओम्स, ठीक है। बाकी आपको कुछ करना नहीं है। अब ये देखो ये और ये दोनों इक्वल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है ना। तो अब देखो यहां ये वाला वैल्यू जो है आपकी सी एंड बी की भी 1 ओम आएगी, तो ये आपका एसी का रेजिस्टेंस है इज 1 ओम, फिर आपका देखो सी बी इज ऑल्सो 1 ओम, नेक्स्ट देखो बी डी इज ऑल्सो 1 ओम, बी डी इज ऑल्सो 1 ओम, और फिर आपका डी ए इज ऑल्सो 1 ओम है ना। अब यहां पर देखो ये हो गया आपका 1 1 ओम के सब बन गए हैं ये। तो अब ये जो बनेगा वो आपका कैसे बनेगा, इट विल बी जस्ट लाइक दिस, एक रेजिस्टेंस यहां पर आएगा फिर एक रेजिस्टेंस यहां पर आएगा, दिस इज योर ए पॉइंट एंड दिस इज योर बी पॉइंट, ये दोनों का एक रेजिस्टेंस इज 1 ओम, ये रहा ये 1 ओम, ये आपका सी डी सी बी है, दिस इज देयर। अब फिर देखो एक ऊपर है एक नीचे की तरफ भी आ रहा है सेम, तो यहां पर हम सेम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो यहां पर एक रेजिस्टेंस लाइक दिस इज विल कम और यहां पर एक रेजिस्टेंस आएगा आपका लाइक दिस, दिस पॉइंट इज योर सी पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज योर डी पॉइंट, ठीक है। अब आप देखो स्टेट ये कैसे हो गए आपके सीरीज में, तो अब हम ए सी बी निकालेंगे, तो ए सी बी इज सीरीज में है तो दैट मीन्स R1 + R2 दैट इज इक्वल टू वी कैन से 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 ओम्स। तो ऊपर वाला तो 2 ओम्स निकल गया, नीचे वाला ए डी बी ये भी आपका 2 ओम्स आएगा सेम। अब इसके बाद आपका फिर से अगेन कैसा बन गया, देखो ये आपका एक बन गया, ये एक आपका एक बन गया, तो नाउ योर फाइनल रेजिस्टेंस देखो कैसे आ रहा है आपका,
it will be just like this. This is your A point, this is your B point. ठीक है, and दोनों 2 ohms आया है, तो this is your 2 ohms now and this is also 2 ohms. तो now effective resistance आपका क्या आ जाएगा, देखो parallel में है ये दोनों, तो parallel में हमने पहले से निकाल रखा है 2 ohms का, तो you will get what? 1 ohm only. तो now we can say 1 by RE is equal to 1 by 2 plus 1 by 2. That is equal to 2 is the LCM, 1 plus 1 that is 2. तो ये आपका आ गया 2 by 2. कट करेंगे you will get 1. तो therefore we can say effective resistance of the circuit is 1 ohm. So this is your answer for